मुझे यूपी सरकार से गुजारिश है कि जिस तरह से अभी यूपी में गाड़ियों के साथ परेशानी हो रही है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो बिहार से, यूपी से, दिल्ली, पंजाब अपने काम के सिलसिले में काम करने के लिए जाते हैं, 2 रुपये कमाते हैं, अपने घर को चलाते हैं, आज उनके साथ बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि ट्रेन अकेला उसको नहीं संभाल सकता है, क्योंकि जगह पर नहीं पहुंचा सकता है। बहुत सी बात है जो पब्लिक को दिक्कत हो रहा है, हम लोगों को भी दिक्कत हो रहा है कि हम लोग का रोजी रोटी उसी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए सरकार से गुजारिश है कि इस चीज़ पर ध्यान दे और इसको जो भी हो जल्दी करके, गाड़ी को अगर किसी को परमिट देना है, टैक्सेस तो भर के ही आती है गाड़ी, टोल भरती है गाड़ी, हर चीज़ का खर्च उठा के गाड़ी आती है, इसके बाद भी उस गाड़ी को अगर परेशान किया जाएगा, पब्लिक को परेशान किया जाएगा, तो लोग कैसे जाएगा और आएगा, अपने घर को चलाएगा। क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में लॉकडाउन हो गया था, अचानक सारी ट्रेनें बंद हो चुकी थी, तो यही एक बस का सुविधा था जिसके कारण सब लोग अपने घर को आ सके थे, अपने परिवार से मिल सके थे और किसी तरह ज़िंदा रह सके थे। अब उसको इस तरह से परेशान किया जाएगा तो हम और आप कैसे ज़िंदा रहेंगे। तो सरकार से हमारी अदबन गुजारिश है कि इस चीज़ पर ध्यान दें और जो भी पब्लिक सर्विस है उसको सही से चलाएं और पब्लिक को सुविधा दें।